सो so, आज हम कवर करेंगे जनवरी के मंथ का पार्ट टू का करंट अफेयर इसमें हम एथ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन जनवरी का करंट अफेयर कवर करेंगे सो so, चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं सो so, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च कृषि संजीवनी वंस टू टेस्ट सॉयल वाटर कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कृषि संजीवनी वंस की जिससे की वो टेस्ट कर सके सॉयल वाटर को हमें ऑप्शन में देखा हुआ कर्नाटक गवर्नमेंट बी दी दिल्ली गवर्नमेंट सी सीधी हरियाणा गवर्नमेंट डी दी ननौदी तो so, ये लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने कि जिससे की वो टेस्ट कर सके सॉइल वाटर को क्या लॉन्च किया उन्होंने कृषि संजीवनी so, चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बी एस येदियुरप्पा ऑन सेवेंथ जनवरी लॉन्च कृषि संजीवनी वंस इन बेंगलुरु द फोर्टी वंस दैट व्लैग्ड ऑफ अंडर द स्कीम विल रीच आउट टू द एग्रीकल्चर फील्ड फॉर टेस्टिंग वाटर सॉइल And will also suggest remedies for pest control to improve yield. So जो CM है Karnataka के BS एस येदयूरप्पा जी ने सेवन जनवरी को लॉन्च किया था कृषि संजीवनी वंश बैंगलोर में और ये फोर्टी से जिन्हें फ्लैग ऑफ किया गया है इस स्कीम के अंदर किसके लिए टू द एग्रीकल्चर फील्ड जिससे की वो टेस्ट कर सके वॉटर सॉयल और सजेस्ट कर सके रेमिडीज किसके लिए पेस्ट कंट्रोल के लिए जिससे की वो इम्प्रूव कर सके ईल्थ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वोमन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किसे किया गया, किया गया है फर्स्ट वोमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगना हाई कोर्ट हमें कोहली डी दिया हुआ देश तो ये अपॉइंट किया गया हेमा कोहली को फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगना हाईकोर्ट का चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते है जस्टिस हिम कोहली वॉज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगना हाई कोर्ट एट अल बट कलरफुल सेरेमनी इन हैदराबाद स्टेट गवर्नर तमिल साय साधुराजन एडमिनिस्ट्रेटेड जस्टिस कोहली एट राजभवन तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हिज कैबिनेट कलीग हाई कोर्ट जज सीनियर स्टेट ऑफिशियल एंड अदर डिग्नेटरी अटेंडेड द फंक्शन जस्टिस हेमा कोहली जी को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना कोर्ट और ये बहुत ही सिंपल सेरेमनी हुई थी जहाँ पे उन्होंने ओथ ली थी जस्टिस कोहली ने कहा पे राजभवन में सो किसे अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट इज हेमा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फर्स्ट डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑप्शन में दिया अभिषेक यादव बी दिया अंकित कपूर सी दिया सुनील शर्मा डी दिया ओ सो ये अपॉइंट किया गया अभिषेक यादव जी को एज द ए आई एफ एफ फर्स्ट डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं इंडियन स्ट्राइकर अभिषेक यादव हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफ डॉक्टर sports body decided to create a new post in its hierarchy it is one of the rare instances when a former indian player indian team player has been appointed to a high ranking position in the sports national फेडरेशन सो इंडियन स्ट्राइकर अभिषेक यादव जी को अपॉइंट किया गया फर्स्ट डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जिसमें स्पोर्ट्स बॉडी ने डिसाइड किया कि वो एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर रही है हिरारकी में सो किसे अपॉइंट किया गया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फर्स्ट डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी दैट इज अभिषेक यादव हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बिकम यूएस आर्मी फर्स्ट चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कौन है पहला इंडियन अमेरिकन जो की बना है यूएस आर्मी का फर्स्ट चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हमें ऑप्शंस में दिए हुए श्वेता सिंह दीदी हुए राज अयर सीधिया हुआ बोधेन भी दिया है ननौती सो ये बने हैं राज ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जो कि बने हैं यूएस के आर्मी फर्स्ट चीफ Indian information officer. the description about Indian American Dr. Raj Ayer has take, taken over as the first chief information officer of the US Army after the Pentagon created the position in July 2020, one of the highest ranking Indian American civilians in the US Department of Defense. Mr. Ayer holds a PhD in electrical engineering, serve as the principal advisor to the secretary of the army, and direct representation of the secretary in matter relating to information management. So, Indian American Raj. है। उन्होंने ये पोजीशन ली है फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की यूएस आर्मी के ये एक हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन अमेरिकन है पीएचडी डिग्री है इनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और इन्होंने सर्व किया एज द तो प्रिंसिपल एडवाइजर टू तो द सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी एंड डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्रेटरी कौन से मैटर्स में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैटर में ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते थे तो किस से बनाया गया है फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जो कि बने हैं यूएस आर्मी के फर्स्ट चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर दैट इज सो राजा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइन एग्रीमेंट विद द इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द पर्सनल ऑफ द फोर्स कौन से बैंक ने साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ एग्रीमेंट कि वो प्रोवाइड करेंगे बैंकिंग सर्विसेज टू द द पर्सनल ऑफ फोर्स हमें ऑप्शंस बैंक सर्विस एच डी एफ सी बैंक सो so, ये साइन किया है बंधन बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया इंडियन आर्मी के साथ कि वो प्रोवाइड करेंगे बैंकिंग सर्विसेज टू द पर्सनल ऑफ द फोर्स चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं प्राइवेट लेंडर बंधन बैंक सेड दैट इट हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द पर्सनल ऑफ द फोर्स द बैंक गॉट द जो बंधन बैंक है उन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट इंडियन आर्मी के साथ प्रोवाइड करेंगे उन्हें बैंकिंग सर्विसेज टू तो पर्सनल फोर्स और बैंक ने मैंडेट किया है कि वो मैंटेन कर सकते हैं जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट ऑफ द आर्मी पर्सनल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनोग्रेट इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस नेम यूटकॉन 2020 किसने इनोग्रेट करी है इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस इसका नाम है यूटकॉन 2020 हमें ऑप्शंस ट्वेंटी हमें रमेश पोखरियाल प्रहलाद जोशी सी डी ओ बोथ एंड बी डी दी नन ऑफ ऑफिस सो बताइए किसने इनोग्रेट करी है इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस इसका नाम है एडिकॉन 2020 सो ये करी है तो रमेश पोखरियाल जी ने जो की हमारे यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हेड है सो हमने डिस्क्रिप्शन में भी ये लिखा हुआ है की रमेश पोखरियाल जी ने इनोग्रेट करी है इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है 2020 नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक इकोनॉमिक में इंडिया का रैंक क्या है हमें ऑप्शन थर्ड फोर्थ फिफ्थ या नो इंडिया की रैंक है फोर्थ चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं रेपिडली डिजिटलाइजिंग इंडिया वॉज रैंक फोर्थ इन ब्रेक आउट इकोनॉमिक इन द थर्ड एडिशन ऑफ द डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड डेवलप बाई द टफ यूनिवर्सिटी Welcher School in partnership with Mastigar. China, which leads the country in the breakout economic group, is more evolved digitally due mainly to its combination of repeatedly ग्रोइंग डिमांड एंड इनोवेशन सो इंडिया की जो रैंक है दैट इज फोर्थ इन ब्रेक आउट में और ये थर्ड एडिशन ऑफ द डिजिट इवोल्यूशन स्कोर कार्ड जिसे डेवलप किया है टफ यूनिवर्सिटी ने किसके साथ पार्टनरशिप करके मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप करके चाइना जो है वो लीड कर रहा है इसमें इन ब्रेकआउट इकोनॉमिक ग्रुप में सो इंडिया so, की रैंक क्या है दैट इज फोर्थ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द नेम ऑफ टू इंडियन अमेरिकन इज टेकन बाई यूएस प्रेसिडेंट जोए बिडन फॉर यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कौन है वो दो इंडियन अमेरिकन जिनका नाम लिया गया है यूएस के प्रेसिडेंट जोए बिडन जी के द्वारा किसके लिए फॉर यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लिए सो so, हमें ऑप्शन में दिया हुआ है सुमोना गोहा बी डिया प्रहलाद जोश सीडिया पोथहैंड डी डिया नॉन ईस्ट सो so, ये इसका करेक्ट आंसर है बोथ एंड बी सुमोना गोहा और प्रहलाद जोश जी दोनों का नाम जोए बिडन जी ने लिया है किसके लिए फॉर यू यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लिए चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं हमने डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ है कि सुमोना गोहा एंड प्रहलाद जोशी इज द नेम ऑफ टू इंडियन अमेरिकन हुज नेम इज टेकन बाई यू एस प्रेजिडेंट इलेक्ट जोई बिडन फॉर यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सो किन दो इंडियन अमेरिकन को इलेक्ट किया गया फॉर यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दैट इज सुमोना गोयर प्रहलाद जोश हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो को चेयर थर्टींथ इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग किसने को चेयर किया India, Vietnam, so, है इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग हमें ऑप्शन में दिया डॉक्टर अजय कुमार डी दिया डॉक्टर ये कोचेयर किया है डॉक्टर अजय कुमार जी ने चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं क्या है? India, Vietnam, को चेयर किया उन्होंने को चेयर किया थर्टींथ इंडिया so, वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग को चलिए अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय अजय कुमार को चेयर द थर्टीन इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग अलॉन्ग विद हिज वियतनामीज को चेयर सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल निगन ची वेन डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सो डिफेंस सिक्योरिटी जो हैं डॉक्टर अजय कुमार ने हमारे यहाँ से को चेयर किया थर्टीन इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी को और उनके वहाँ से किया है सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल न्योंग छी वेन जी ने ठीक है किसको कोच किया उन्होंने थर्टीन इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग को हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु न्यू इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन विद द एम टू कॉन्वर्जेशन रिगार्डिंग वेल्थ क्रिएशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू द कॉन्टेम्प्रेरी किसने अनेवल किया है न्यू इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन जिसमें उन्होंने एम किया है कि वो शिफ्ट करेंगे कॉन्वर्जेशन रिगार्डिंग वेल्थ क्रिएशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू द कॉन्टेम्प्रेरी सो so, हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी बी दिया आईसी प्रोडेशल म्यूचुअल फंड सी डी ओ आई डी एफ सी म्यूचुअल फंड डी दीओ नॉन ऑफ दीज सो ये आने किया है अवेयरनेस कैंपेन कि वो उनका एम है कि वो शिफ्ट कर सके लोगों को रिगार्डिंग वेल्थ क्रिएशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू द कंटेम्प्रेरी सो ये किया आई डी एफ सी म्यूचुअल फंड ने चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं idfc mutual fund announced the launch of its latest pan-india investor awareness campaign "Peso ko roko mat," savers to become investors with this new campaign idfc mutual fund aimed to shift the conversation regarding वेल्थ क्रिएशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू द कॉन्टेम्प्रेरी तो आई डी एफ सी म्यूचुअल फंड ने अनाउंस किया है की कि वो लॉन्च कर रहे हैं लेटेस्ट पैन इंडियानेस कैंपेन जिसका नाम है पैसों को रोको मत ये इसलिए किया जा रहा है की वो इन्वेस्टर्स को बता सके हाउ टू बिकम अ सेवर और उनका ध्यान शिफ्ट कर सके रिगार्डिंग वेल्थ क्रिएशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू तो द कंटेम्प्रेरी अब हम अपने इंपॉर्टेंट डेज और इम्पोर्टेंट पीपल के बारे में बात करते हैं पहला पॉइंट है जनरल मैनेजर एट आर बी आई आर ग्री धरन इज द

a prize winning author they. next year modi india calling 2021 is released on the occasion of 16 pravasi bharatiya Devis. मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 कब रिलीज किया गया है और कौन सी ओकेजन पे रिलीज किया गया है इसे रिलीज किया गया है 16 प्रवासी भारतीय दिवस के ओकेजन पे से रिलीज किया गया है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को और इसका एम क्या है इसका एम है टू मेक श्योर दैट द स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री कैन बी इंकरेज्ड टू लर्न अबाउट द लाइफ किस स्टूडेंट्स जो अक्रॉस द कंट्री है वो हमेशा एंकरेज रहे कि वो लर्न कर सके अबाउट द लाइफ सो so, नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया था ट्वेल्थ जनवरी को वेरी फेमस फैशन डिजाइनर सत्यापॉल हुटिंग द इंडियन सारी हैजे सत्यपाल कौन थे ये एक फैशन डिजाइनर थे बहुत फेमस और इन्होंने रीन किया था इंडियन साड़ी को सबसे पहला पॉइंट क्या है, right है? है राइट अंडर को नीर शेजान प्राइज विनिंग ऑथर और जर्नलिस्ट थे मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 कब रिलीज किया गया और कौन से ओकेजन पे इसे रिलीज किया गया इसे रिलीज किया है? 16 प्रवासी भारतीय दिवस के ओकेजन पे नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है 12 जनवरी को सितना पॉल कौन थे थी बहुत फेमस फैशन डिजाइनर थे जिन्होंने साड़ी को एक नया रूप दिया था अब हम बैक टू क्वेश्चन ऑफ कोलकाता कोलकाता के ब्रांड एम्बेटर कौन है हमें ऑप्शन में दिया शाहरुख खान बी दिया दिया सेन सी रानी मुखर्जी डी दिया और सुषमिता कोलकाता के जो ब्रांड एम्बेटर है दैट इज शाहरुख खान चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान एग्री टू बी द ब्रांड एम्बेटर ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ममता बैनर्जी ममता बैनर्जी चीफ मिनिस्टर जी जो है कोलकाता के उनके रिक्वेस्ट करने पे शाहरुख खान जी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सेट सुपरस्टार शाहरुख खान विल ग्रेस द वर्चुअल इनाग्रेशन ऑफ ट्वेंटी सिक्स कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और जनवरी एट वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी ने कहा है की जो सुपर स्टार है शाहरुख खान वो ग्रेस करेंगे वर्चुअल इनाग्रेशन ट्वेंटी कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जनवरी एट सो so, किसे बनाया गया ब्रांडेस्ट ऑफ कोलकाता दैट इज शाहरुख खान हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मिला है काया कलप अवार्ड स्कीम हमें ऑप्शन में दिया हो गया एम्स दिल्ली बी डी वुवनेश्वर सी डी ओ एम्स भोपाल डी डी ओ एम्स जोधपुर कायाकल्प अवार्ड स्कीम जो है ये रिसीव करा है एम्स भुवनेश्वर ने चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम इट्स मेडिकल एक्सपर्टाइज इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन भुवनेश्वर हैज इट्स वंस अगेन फॉर प्रमोटिंग क्लिननेबल प्रैक्टिस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी बाई विनिंग द काया अवार्ड स्कीम सो एम्स भुवनेश्वर ने प्रूव किया है फिर से कि वो प्रमोट करता है हाइजीन और क्रिकेट करता है सस्टेनेबल प्रैक्टिस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में और ये उसने प्रूव किया बाय विनिंग कायाकल्प अवार्ड्स की हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द आईसीसी बोर्ड फ्रॉम द बीसीसीआई कौन है ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव आईसीसी बोर्ड का फ्रॉम द बीसीसीआई हमें ऑप्शन जय शाह बी दिया विराट कोहली सौरभ गांगुली डी सो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जो आईसीसी बोर्ड के है शाह हैज बीन नेम्ड बिकॉज दियल्टेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड कॉन्फ्रेंस शाह इज द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जेर शाह जी को बनाया गया है ऑफिशियल कंसल्टेंट ऑफ बी सी सी फॉर द आई सी सी बोर्ड कॉन्फ्रेंस और जे शाह जो है वो सेक्रेटरी भी है बी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी बी दिया हुआ थर्टीन जनवरी सी दिया हुआ है नाइनटीन जनवरी सो आपका करेक्ट आंसर है बोथ एंड बी 12 से लेकर 13 जनवरी तक ही एक्सरसाइज हुई थी चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं इंडियन नेवी कंडक्टेड द सेकंड एडिशन ऑफ द बिनियल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी वील ट्वेंटी थर्टीन सो ये दो दिन तक हुई थी एक्सरसाइज जनवरी ट्वेल्व एंड जनवरी थर्टीन तक अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेके महेश्वरी बी दिया अरूप कुमार गोस्वामी सी दिया बोध एंड भी डी दिया ननौती अपॉइंट किया गया जेके so, महेश्वरी जी को चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाईकोर्ट चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं चीफ जस्टिस जितेंद्र कुमार

इंडिया सब्सिडरी कहाँ पे टेस्ला सेटअप करने वाली है इंडिया में सब्सिडरी हमें ऑप्शन में दिया बैंगलोरु बी डी ओ नोएडा सी डी आगरा डी डी ओ नानी सो ये सेटअप करने वाली है टेस्ला बैंगलोर में चलिए डिस्क्रिप्शन में पड़ते हैं वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूड कार मेकर मैन्युफेक्चरिंग प्लांट फॉर इट्स इलेक्ट्रिक वेहीकल इन द कंट्री सो टेस्ला जो एक बहुत वैल्यूड कार्मिकल कंपनी है वो सेटअप करने वाली है अपना आर एंड डी यूनिट और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे बैंगलोर में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनोग्रेट द चेरी ब्लूसम फेस्टिवल इन मणिपुर किसने इनोग्रेट किया है चेरी ब्लूसम फेस्टिवल मणिपुर में हमें ऑप्शन में दिया हुआ है श्री नितेश कुमार बी राज जयराम ठाकुर सीधिया नोंग थोमबाम बीरेन्द्र सिंह डी डिया तो ये इनोग्रेट किया चेरी ब्लूसम फेस्टिवल मणिपुर में दैट इज नोंग थोम्बाम बीरेन्द्र सिंह जी ने जो की चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के चलिए डिस्क्रिप्शन में पड़ते है द फोर्थ एडिशन ऑफ द चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इन मणिपुर वॉज वर्चुअली इनोग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह सो इसे इनोग्रेट किया एन बीरेन सिंह जी ने एन बीरेन मतलब इनका पूरा नाम क्या है नॉमबाम बिरेन सिंह जयराम ठाकुर कहाँ के सीएम है वो है हिमाचल प्रदेश के सीएम है वो और श्री नितेश कुमार कहाँ के है इज द सीएम ऑफ बिहार और नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द न्यू सीई ऑफ इंटेल इंटेल के न्यू सीई कौन है हमें ऑप्शन जूली स्वीट गेल सिंगर पन सिंगर डी दन ऑफ दिज सो न्यू सीओ जो इंटेल के दैट इज पैट गेल गिंगर चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते इंटेल हैज नेम पैट गेल गिंगर एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव

पाँच साल के लिए सो so, कौन ये एम ओ यू साइन करना है हमें ये बताना है सो हमें ऑप्शन भी दिए हुआ है आई आर ई डी ए बी दिया हुआ है एल्फ्रोसन टेक्नोलॉजीज सी दिया पावर ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन डी दिया ओर ऑफ so, ऑफिस सो ये साइन कर रहा है आई आर ई डी ए साइन कर रहे हैं ये एम ओ यू एंड टी पी सी के साथ चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं आई आर ई डी ए की फुल फॉर्म क्या इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने ये साइन किया एम ओ यू एन टी पी सी के साथ कि वो प्रोवाइड करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट उन्हें फॉर नेक्स्ट फाइव ईयर्स के लिए क्या करेंगे उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे उन्हें सो so, किसने ये एमओ यू साइन किया एन के साथ दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग लिनियर इंडेक्स ब्लूमबर्ग लिनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कौन है हमें ऑप्शन में दिया जेफ बेजोस बी डिओ एलॉन मस्क सी डिओ बिलगेट सी डी ऑफ नीज सो ये है एलॉन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग ग्लेनियर इंडेक्स यही हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है अब हम फिर से इम्पोर्टेंट डेज इम्पोर्टेंट डेज और इम्पोर्टेंट पीपल के बारे so, में बात करेंगे ढाका मैराथन ट्वेंटी ट्वेंटी मैराथन ट्वेंटी ट्वेंटी जगमीत धोलमा की फोर्थ पोजिशन है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ ट्वेंटी ट्वेंटी जनवरी टू सेफ्टी डे कब से में, तब सेलिब्रेट किया जाता है ब्रिटेनियन कांग्रेस लीडर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात माधव सिंह सोलंकी पास जब हुए माधव सिंह सोलंकी कौन थे वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस लीडर थे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है नाइन्थ जनवरी को और इसका एम क्या होता है इसका एम होता है कि प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म एनआरआई को कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना पार्टिसिपेशन अबाउट इंडिया विद ए थीम कॉन्ट्रीब्यूटिंग ए

फोर्थ पोजीशन दैट इज जगमीत डोल्मा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ कब सेलिब्रेट किया 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक माधव माधव सिंह सोलंकी कौन थे वो कांग्रेस लीडर थे और चीफ मिनिस्टर रह चुके थे गुजरात के उनकी डेथ हो चुकी है प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया था जनवरी को इसका एम क्या है की प्रोवाइड कर सके एनआरआई को एक प्लेटफॉर्म की वो एक्सप्रेस कर सके अपना पार्टिसिपेशन अबाउट इंडिया और इनकी थीम क्या थी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत दुर्लापति कुटा राव कौन थे ये एक जर्नलिस्ट और पद्मश्री अवार्डी थे कौन है ये सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक प्रेसिडेंट थे और ये विनर है और इन्हें री इलेक्शन में वापस से जीते सो अब हम बैक टू क्वेश्चन है हु इज द ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन कौन है ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन हमें ऑप्शन सुनिए मार्क्सपी एजनीस केलेथी, सीधी असाफा पोवेल दीदिया नान ऑफ सो so, ये है एज एजनीस थी जो कि है ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं द होलोकॉस्ट सर्वाइवर एंड विनर ऑफ टेन ओलंपिक मेडल इन जिमनास्टिक इंक्लूडिंग फाइव गोल्ड सेलिब्रेट हर हंड्रेड बर्थडे इन हर नेटिव बो लाइफ ऑफ अचीवमेंट एडवेंचर ट्राज एंड परसिवेंस सो कौन है ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन दैट इज स्केलेटे इन्होंने टेन ओलंपिक मेडल्स जीते हैं इन जिमनास्टिक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जे के यूनियन टेरिटरी सो कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा कि जिससे कि वो स्ट्रेंथ कर सके एंटी करप्शन को जो की कॉमन सिटीजन के बीच में होता है So, कौन सी एप्लीकेशन है जो उन्होंने लॉन्च करी है हमें ऑप्शन में है सतर्क नागरिक बी नागरिक सतर्क सी बोथ हैंड डी नन ऑफ सो ये उन्होंने लॉन्च करी है एप्लीकेशन उसका नाम है सतर्क नागरिक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यही लिखा हुआ है कि सतर्क नागरिक इज द एप्लीकेशन विच इज लॉन्च बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा विद एम टू स्ट्रेंथनिंग एंटी करप्शन ड्राइव इन्वॉल्विंग कॉमन सिटीजन ऑफ द जेके टेरिटरी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेर इज इंडिया फर्स्ट फायर पार्क इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क कहापन इन उड़ीसा भुवनेश्वर द फायर पार्क एम टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन फायर सेफ्टी मेजर इट विल बी ओपन फॉर पब्लिक ऑन एवरी सैटरडे द पार्क इज इक्यूब विद ऑल फायर सेफ्टी गेयर सो इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क जो है इसे ओपन किया गया उड़ीसा भुवनेश्वर में और इसका एम है कि ये स्प्रेड करे फायर सेफ्टी मेज़र्स को इसे हर सैटरडे को ओपन किया जाएगा और पार्क को क्यूब किया जाएगा विद और फायर सेफ्टी गियर्स के साथ सो so, पे इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क दैट इज भुवनेश्वर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिजाइन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसने रिजाइन किया फ्रॉम प्रेजिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमें ऑप्शन में दिया दुष्यंत देव बी डी ओ राम जेठ सी डी कपिल सिंबल डी डी ऑफ दीज सो ये रिजाइन किया है दुष्यंत देव जी ने कहा से रिजाइन किया फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं दुष्यंत देव द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम

इसके प्रेसिडेंट कौन थे दुष्यंत देव और उन्होंने ही रिजाइन किया एस की फुल फॉर्म क्या है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है करेगा हमें फ्रांस चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं दवर्ट द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ऑर्गेनाइज द फोर्थ वन प्लैनेट समिट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विच ईम एट प्रोटेक्ट इन दर्ल्ड बायोडावर्सिटी द समिट वॉज ऑर्गेनाइज इन द यूनाइटेड स्टेट थीम ऑफ government एक्ट france फॉर नेचर जो गवर्नमेंट है की, उसने ऑर्गेनाइज किया है इसे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसका एम क्या है कि प्रोटेक्ट करे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को और ये समिट जो ऑर्गेनाइज किया गया है इन कॉपरेशन विद यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक और इसकी थीम क्या है लेट्स एक्ट टूगेदर फॉर नेचर ये मेनली नेचर और बायोडाइवर्सिटी के लिए किया गया है और इसमें किसने कोपरेशन किया यूनाइटेड स्टेट्स और वर्ल्ड बैंक ने और ये कहाँ पे हुआ है फ्रांस में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ज्वाइंट हैंड विद आई टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन किसने ज्वाइंट हैंड किया आई के साथ कि वो प्रमोट कर सके फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें ऑप्शन में दिया एफ एस एस बी डी ओ आरबीआई सी डी ओ सी बी डी डी सो ये ज्वाइंट हैंड करे हैं आई पी पी बी मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ किस ज्वाइंट हैंड करे हैं किसने कि वो प्रमोट कर सके फाइनेंशियल इंक्लूजन सो ये ज्वाइंट हैंड करे हैं एफ एस एस ने एफ एस एस की फुल फर्म क्या है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ने जॉइंट हैंड करें है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ कि जिससे कि वो प्रमोट कर सके फाइनेंशियल इंक्लूजन चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम अ लीडिंग पेमेंट प्रोसेसर एंड प्रोवाइडर ऑफ इंटीग्रेटेड पेमेंट प्रोडक्ट हैज पार्टनर्ड विद इंडियन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग अंडर अनडिजर्व एंड अनबैंक सेगमेंट एज पार्ट ऑफ द कोलेब्रेशन आई पी यूज एफ एस एस आधार एनिबल पेमेंट सिस्टम टू डिलीवर इंटर ऑपरेटेबल एंड अफोर्डेबल डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस टू कस्टमर अक्रॉस इंडिया सो एफ एस एस एक लीडिंग पेमेंट प्रोसेसर है और प्रोवाइडर है इंटीग्रेटेड पेमेंट प्रोडक्ट का इसने पार्टनरशिप करी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ प्रमोट कर सके फाइनेंशियल इंक्लूजन किसके लिए अनडिजर्व और अनबैंक सेगमेंट्स के लिए आईपीपी क्या है ये यूज करेगा एफ एस एस आधार एनेबल पेमेंट बैंक पेमेंट सिस्टम को कि डिलीवर कर सके इंटर ऑपरेटेबल और अफोर्डेबल डोस्ट या बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर्स को अक्रॉस इंडिया सो so किसने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ ज्वाइंट हैंड करे है कि जिसकी वो प्रमोट कर सके फाइनेंशियल इंक्लूजन दैट इज एफ एस एस विच इज फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Has with PNB Bank to set up किसने कोलाबरेशन करी है पी बैंक के साथ की वो सेटअप कर सके इनोवेशन सेंटर हमें ऑप्शन में कानपुर, so, ये कोलाबोरेशन किया है पी एन बी बैंक के साथ आई आई टी कानपुर ने की वो सेटअप कर सके फिनटेक इनोवेशन सेंटर चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ सो हमें डिस्क्रिप्शन में भी ये दिया है दैट Punjab National Bank announced an alliance with IIT Kanpur and the in Foundation for Innovation and Research in Science and Technology for Establishing an Innovation Center at the Institute campus under this partnership. PNB and IIT Kanpur will set up a fintech innovation center as a vehicle to research and develop technological solutions to address challenges and explore opportunities in the BFSI space. So PNB Bank announced an alliance with IIT Kanpur ke saath. Kiske liye? for establishing an innovation इनोवेटिव सेंटर एट द इंस्टीट्यूट कैंपस और इस पार्टनरशिप में पीएनबी और आईआईटी कानपुर क्या करेंगे सेटअप करेंगे फिनटेक इनोवेट

हमें ऑप्शंस में दिया हुआ तमिलनाडु बी डी उत्तर प्रदेश सी डी पंजाब डी डी केरला सो एट स्टेट है ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म ट्रिपुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द स्टेट हैज बिकम एलिजिबल टू मोबिलाइज एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू थ्री करोड थ्रू ओपन मार्केट बॉइंग परमिशन फॉर सेम वॉज इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ट्वेल्थ जनवरी सो केरला बनी है एट स्टेट इंडिया में जिसने इंप्लीमेंट किया इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म जो कि है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर

जो रैंक है वो है एटी फिफ्थ चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं द रैंक ऑफ इंडिया इज हंड्रेड एंड टेन कंट्रीज इन देंडले पासपोर्ट इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो इंडिया की जो रैंक है वो एटी फिफ्थ है पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी कंट्रीज में से 110 कंट्रीज में से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं विद होम इंडियन आर्मी 20 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट टू बाय स्विच ड्रोन कौन सी कंपनी के साथ इंडियन आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है मिलियन का कि वो बाय करेगी स्विच ड्रोन को सो so, हमें ऑप्शन दिया आइडिया फॉर वीडियो स्टार्क एरोस्पेस उन्होंने किया आइडिया फोर के साथ चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं द इंडियन आर्मी है कॉन्ट्रैक्ट विद आइडिया फोर टू प्रोक्योर अनोज क्वानिटीज ऑफ एरियल वहीकल एट द कॉस्ट ऑफ एक्स अप्रॉक्समेटली यू एस डी ट्वेंटी मिलियन तो इंडियन आर्मी ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट आइडिया फोर्स के साथ कितने अमाउंट पे ट्वेंटी मिलियन के अमाउंट में और वो प्रोक्योर करेंगे उन्हें अनडिसक्लोज क्वान्टिटीज ऑफ हाई अल्टरटड वेरियन स्विचेस अनमेड एरियल वहीकल्स के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें पहला पॉइंट है मणपुर गवर्नमेंट ने रिलीज करी है एक बुक जिसका नाम है मेकिंग ऑफ हिमालय को वर्क ऑफ लेजेंड्री फिल्म सत्याजीत रे वाइव ऑफ इस्लासिक फिफ्टी इंटरनेशनल फिल्मिंडिया क्या है वो सेलिब्रेट कर रहा है लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्याजीत रे की फाइव स्क्रीनिंग ऑफ उनकी क्लासिक के टाइम की डी प्रकाश राव

और ये जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि जनरल के एम करियप्पा जी ने वो पहले इंडियन थे जिन्होंने चार लिया था इंडियन आर्मी का 1949 में सो so, हमारा पहला पॉइंट क्या है मणिपुर की गवर्नमेंट ने क्या रिलीज करी है कौन सी बुक रिलीज करी है उसका नाम है मेकिंग ऑफ अ जर्नल हिमालयन एक फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया क्या सेलिब्रेट कर रहा है वो सेलिब्रेट कर रहा है वर्क ऑफ लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्याजीत रे हाउ दे आर सेलिब्रेट देर सेलिब्रेटेड इन स्क्रीनिंग फाइव ऑफ इज क्लासिक्स नेक्स्ट पॉइंट डी प्रकाश राव कौन थे वो एक सोशल एक्टिविस्ट और पद्मश्री अवार्डी थे इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी और इसी दिन जनरल के एम करियप्पा जो थे वो पहले इंडियन बने थे जो की चार्ज ले रहे थे इंडियन आर्मी का नाइनटीन में अब हम बैक टू क्वेश्चन आते हैं वो सेटअप पैनल टू एग्जाम अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट किसने पैनल को सेटअप किया है कि वो एग्जामाइन करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सो हमें ऑप्शंस में दिया आई आर डी ए आई बी डी ऑस सी बी सी डी और आर बी आई डी वी ए नीस सो ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को एग्जाम करने के लिए ये पैनल जिसने सेटअप किया वो है आई आर टी आई को सेटअप किया गया है चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटर आई आर डी इंश्योरेंस एडवाइजरी और रेट स्ट्रक्चर टूवर्ड इम्प्रूविंग अफोर्डेबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटर आई आर डी आई ने कंस्टिट्यूट किया है को कि जिससे अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सजेस्ट कर सके अप्रोच ऑन द कवरेज ऑफ स्पेसिफिक डिजीज और डेवलप कर सके एक स्ट्रैटेजी ऑन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और रेट आई आर डी आई ने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्शन इन, इन किजिकिस्तान किजिकिस्तान में प्रेजिडेंशियल इलेक्शन किसने जीते है हमें ऑप्शन में दिया हुआ अशोक अकायद बी डी एस सोरेन्वे बे, जेनबे सी डी एस सद्रिय चपारो या डीरिया नॉन ऑफ so, दीज तो ये प्रेजिडेंशियल इलेक्शन किजाकिस्तान में जीते सदर जपारो जी ने चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन सीड मिस्टर जपारो हैड वॉन 79 नाइन परसेंट ऑफ वोट कास्ट मिस्टर जपारो हु सर्व टाइम इन जेल और टेकिंग रिवेल हॉस्टेज विल ऑल्सो हैव स्वीपिंग न्यू प्रेजिडेंशियल पावर आफ्टर वोटर्स बाय द सिमिलर मार्जिन ऑप्टेड टू एम द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ रेफरेडम सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसने कहा है कि जयपरोग जी को सेवेंटी नाइन परसेंट वोट्स मिले हैं और इसलिए वो वहां के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत कर वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं कजाकिस्तान के ठीक है सो अब कजाकिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट कौन है दैट इज सैदरा जयपारो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर्म ऑफ की फुल क्या हमें में दिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री किसान विकास योजना प्रधानमंत्री कौशल विपरीत योजना या डी नीज सो पी एम के वी वाई के फुल फॉर्म प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज सेड दैट The third phase of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana will be launched in 600 districts across all states of India. Skill India mission PMKVY 3.0 and vestiges training of 8 lakh candidates over a scheme period of 2020-2021 with an outlay of करोड़ सो so, के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और इन्होंने अब ये कौन से फेज में ये अपने थर्ड फेज में और ये लॉन्च करे सिक्स हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस ऑल स्टेट ऑफ इंडिया स्किल इंडिया का जो मिशन है उसमें ये ट्रेन कर रहे लाख कैंडिडेट्स को ओवर स्कीम पीरियड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी विद एन आउटले ऑफ़ नाइन एट पॉइंट नाइन जीरो

उन्हें एक तरह से ट्रेनिंग मिल सके ये बिल्कुल ऑप्शन ऑपरेशनलाइज होगा विद फुल डायरेक्टर सपोर्टेड होगा बाय एन एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा सो so, किसने सेटअप कराई है आर बी आई ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर चेयर करेंगे एन विश्वनाथन वन नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ टी ई पी सी टी ई पी सी मतलब टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का चेयरमैन किसे बनाया गया सो मैं ऑप्शन सिंह बी डी ओ संदीप, संदीप अग्रवाल सी डी संदीप कपूर डी डी ओ नीसो का जो चेयरमैन है वो बनाया गया संदीप अग्रवाल को मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट है सो so, चलिए आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं बट माइंड में रखिएगा टीई पी की फुल फॉर्म क्या है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल सो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ द टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन

क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच

फोर फिल्म बांग्लादेश की जिन्होंने बहुत ही अच्छा सिनेमेटिक एक्सेलेंस और कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अपनी कंट्री को सो so, कौन सी कंट्री को डिक्लेयर किया गया इस कंट्री इन फोकस फॉर फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया दैट इज बांग्लादेश हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कोलैबोरेट किया फ्लिपकार्ट के साथ की वो एनहांस कर सके वनप्रशिप प्लेटफॉर्म ऑप्शन ये कोलैबोरेट किया फ्लिपकार्ट ने नीति आयोग के साथ जिससे कि वो एनहांस कर सके वुमेन एंटरप्रीनोरशिप प्लेटफॉर्म चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट सेन्स पार्टनर विद नीति आयोग टू लॉन्च द रिवे Women entrepreneur platform the woman entrepreneur platform is a first of its kind unified access portal which bring together women from different part of india to realize their entrepreneurial <laughs> एस्पिरेशन सो फ्लिपकार्ट ने बोला है कि उसने पार्टनरशिप करी है नीति आयोग के साथ की जिससे वो लॉन्च कर सके वुमेन एंटरप्रनोरशिप प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म के में उन्हें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि वुमेन्स को एक साथ लाएगा और एक यूनिफाइड एक्सेस पोर्टल देगा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया जिससे की वो रियलाइज कर सके दैट एंटरप्रिनोर रूरल एसपीशन को वुमेन्स की, सो so, ये वुमेन्स के लिए एक टूगेदरनेस का सोर्स लेकर आएगा एक तरफ से so, किसने कोलेबरेट किया फ्लिपकार्ट के साथ टू प्लेटफॉर्म दैट इज नीति

सेल्फलेस हो गए काम भरा है नेक्स्ट पॉइंट है राइटर वीर मेहता एंड इंडियन अमेरिकन है वीर मेहता कौन थी इंडियन अमेरिकन राइटर थी नेक्स्ट पॉइंट है दर्स्ट इवर ट किया जा रहा है ले में फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस वाई कुरेशीज कम आउट विद बुक टाइटलेशन विथ इस्लामी प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है एस वाई कुरेशी जी आए है बुक टाइटल के साथ द पॉलिटिक्स मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया तो आर्म फोर्स किया जाता है जनवरी को. वेद में कौन है? ये इंडियन अमेरिकन राइटर है First कहां किया जाता है? में. और है? में. पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया ये जो बुक टाइटल है इसे किसने कौन लेकर आया है ये लेकर आया है फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरेशी सो so, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए देश का नाम रोशन करिए खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और प्लीज लास्टली फिर से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए